नमस्कार, मैं हूं सोनी और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज भारत। और वक्त हुआ है खबरें फटाफट का। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तैयारी तेज, मिजोरम का दौरा करने पहुंचा निर्वाचन आयोग। चुनाव प्रचार में सपा बीजेपी ने झोंकी ताकत, कल अखिलेश की रैली। गड्ढे में गिरकर 2 साल के मासूम बच्चे की मौत, गुस्साए लोगों ने सड़क पर लगाया जाम। देवास में कलेक्टर की गाड़ी पलटी, लोग बोले शराब के नशे में था ड्राइवर। 5 साल के बच्चे ने तोड़ा खुद का रिकॉर्ड, 1 मिनट 35 सेकंड में सुनाई हनुमान चालीसा, राष्ट्रपति करेंगे सम्मानित। कश्मीर से अलग होने के 4 साल बाद पहली बार वोट डालेंगे कारगिल के लोग, आम आदमी पार्टी ने भी उतारे उम्मीदवार। 3 हफ्ते पुराने गदर 2 ने नई रिलीज ड्रीम गर्ल 2 को छोड़ा पीछे, 450 करोड़ के पार पहुंची फिल्म। अमेरिका के बाद अब ब्रिटेन में विमान सेवाएं ठप, नेटवर्क में गड़बड़ी से हो रही परेशानी। रक्षाबंधन पर महिलाएं 2 दिन कर सकेंगी निःशुल्क सफर, यूपी सरकार ने डबल की सेवा। RIL के बोर्ड से नीता अंबानी का इस्तीफा, आकाश ईशा और अनंत गैर कार्यकारी निदेशक नियुक्त। कोची से बेंगलुरु जा रही फ्लाइट में बम की अफवाह, जांच के बाद किया गया रवाना। अहमदाबाद में विश्व कप का होगा रंगारंग आगाज, 4 अक्टूबर को उद्घाटन समारोह में भाग लेंगे सभी कप्तान। रोजगार मेले में बोले केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, पिछले 9 सालों से बड़े रोजगार के अवसर। शेयर बाजार में बीते 2 दिनों की गिरावट में ब्रेक, सेंसेक्स 110 अंक उछला, निफ्टी 19,000 के पास। 11 अक्टूबर को बंद होंगे हेमकुंड साहिब के कपाट, अब तक 2 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे। धूमधाम से निकली भगवान टपकेश्वर की शोभा यात्रा, सीएम धामी ने लिया भोलेनाथ का आशीर्वाद। 18 से 25 सितंबर तक होगा मानसून सत्र, सीएम सुक्खू ने राज्यपाल से की भेंट। सीएम मनोहर लाल का ऐलान, सरकारी बाबू और अनुसूचित जाति को मिलेगा प्रमोशन में आरक्षण। नो हिंसा पर सदन में बोले गृह मंत्री अनिल विज, सब कांग्रेस का किया धरा। भरतपुर में 4 बदमाशों ने दुकान में घुसकर ज्वेलर को मारी गोली, 1 बदमाश को व्यापारियों ने पकड़ा, बाजार बंद। बिहार पुलिस काटेगी मुख्यमंत्री का चालान, सीट बेल्ट लगाए बगैर सीएम नीतीश का वीडियो हुआ वायरल। उज्जैन में मंदिर पर झंडा लगाने गए 2 लोग हाई टेंशन लाइन की चपेट में आए, 1 की हालत गंभीर। गाजियाबाद में कल लगेगा सांसद रोजगार मेला, 5,000 से ज्यादा छात्र होंगे रिक्रूट। ममता बनर्जी का दावा, भाजपा दिसंबर में करवा सकती है आम चुनाव, सभी हेलीकॉप्टर को। नू के बाद सोनीपत में धारा 144 लागू, पुलिस ने लोगों से की अपील, देशभक्त ना जाए। हम हैं एक्सप्रेस न्यूज भारत, आइए हमारे साथ जुड़ने के लिए संपर्क करें।